बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गुलमाज क्यूज़ीन। आज मैं आपके लिए जिस स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है ब्रेड पुडिंग विद कैरमल सॉस, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ कप मेवा यानी किशमिश ली है और इसे मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। इसके अलावा एक बेकिंग डिश ली है जिसको मैंने एक टेबलस्पून बटर के साथ ग्रीस कर लिया है। इस तरह ब्रश की मदद से आप ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद इस बॉल को मैंने साइड पे रख दिया। अब मैंने 6 बड़े स्लाइसेस लिए हैं और इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ब्रेड आपकी एक रात पुरानी होनी चाहिए, अगर बिल्कुल फ्रेश होगी तो इस तरह स्लाइसेस टूट जाएंगे आपके काटते हुए। इस तरह क्यूब्स में काटने के बाद आप इन्हें एक बॉल में शामिल कर लें। अब ये 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर है जो मैंने इन स्लाइसेस के ऊपर डाल दिया है। अब ये एक अलग बॉल में मैंने 3 अंडे लिए हैं। इसमें मैंने हाफ कप चीनी पिसी हुई, हाफ कप क्रीम, कोई भी टेट्रापैक क्रीम आप ले सकती हैं, और 1.5 कप दूध का शामिल किया है। और एक जाफर लेकर इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसकी क्वांटिटी तकरीबन 1/4 टीस्पून होनी चाहिए। अब ये नटमेग शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये कस्टर्ड सा तैयार हो जाएगा। अब इस कस्टर्ड को बटर वाले स्लाइसेस के ऊपर शामिल कर दें आप। कस्टर्ड शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और तकरीबन 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए साइड पर रख दें। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, ये हमारे स्लाइसेस भी सेट हो गए हैं कस्टर्ड के साथ। ये मैंने इसमें 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर शामिल किया है। साथ ही मैंने भीगा हुआ मेवा यानी किशमिश जो हमने गर्म पानी में भिगोई हुई थी वो मैंने शामिल कर दी है। इसकी डंडियां आप उतार लें, मेरी थोड़ी सी रह गई हुई है। मेवा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस तैयार मिक्सचर को ग्रीस की हुई डिश में आप डाल दें और डालने के बाद स्पैचुला से इसको सेट कर दें आप इस तरह से। अब एक अंडे की जर्दी लेकर इसको अच्छी तरह से फेंट के ब्रश की मदद से पुडिंग के मिक्सचर के ऊपर इस तरह लगा दें। एग योक लगाने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब ये हमारी पुडिंग बेक होने के लिए तैयार है। आप इसे पतीले में बेक कर सकती हैं, अवन में भी बेक कर सकती हैं। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए ये बेक होगा।
अब ये 35 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी पुडिंग तैयार हो चुकी है। मैंने एक स्क्वायर लेके उसे चेक किया है ताकि अगर कच्ची होगी तो स्क्वायर के साथ लग जाएगी और अगर पकी हुई होगी तो स्क्वायर बिल्कुल साफ़ आएगा। ये देखिए बिल्कुल साफ। अब इस तैयार पुडिंग को हमने पतीले में से निकाल के रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देना है। दूसरी साइड पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी शामिल किया है और 1/2 कप चीनी शामिल कर दी है ताकि इस चीनी को कैरमलाइज करूं। आंच हल्की रखी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें चम्मच चलाते रहें, शुगर आपकी कैरमलाइज होना शुरू हो जाएगी। ये देखें शुगर कैरमलाइज हो गई है। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून बटर शामिल कर दिया है। बटर को इस शुगर के साथ बिल्कुल मिक्स करना है। जब बटर मिक्स हो जाए तो इसके बाद हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। आंच आपने हल्की रखनी है, अगर आंच तेज़ की तो ये ज़्यादा कैरमलाइज हो जाएगा। अब ये देखिए बटर मिक्स हो गया, मैंने इसमें क्रीम शामिल कर दिया। क्रीम को शुगर के साथ बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और साथ इसमें 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के शामिल किए हैं। अगर आपको क्रीम मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर सकते हैं। ये देखिए अब इसमें क्रीम, बटर, वनीला एसेंस ये सब इसमें मिक्स हो चुका है और ये इतनी पतली भी नहीं है कि एकदम गिर जाए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। ब्रेड पुडिंग रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो चुकी है और हमारी कैरेमल सॉस भी तैयार है। अब इसका हम एक स्लाइस कट करके इसके ऊपर कैरेमल सॉस ड्रिजल करेंगे। इसके ऊपर आप एक आइसक्रीम का स्कूप भी डाल के इसको एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।